मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट का गांव जनवार देखने में देश के बाकी गांव की तरह ही लगता है, लेकिन यहां मौजूद जनवार कैसल नाम का स्केट पार्क इसे बाकी के गांव से अलग बनाता है। ये पार्क यहां के बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जर्मन कंसल्टेंट उल्ड्राइट राइनहार्ट का बनाया ये पार्क भारत के ग्रामीण क्षेत्र में बना पहला स्केट पार्क है। स्केटबोर्डिंग के अलावा यहां गांव के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए भाषा, संगीत, डांस और जिंदगी की बाकी बारीकियां सिखाई जाती हैं। दिल्ली का लाइफ स्कूल अंग्रेजों ने पहले सिलाया, फिर बच्चों ने सिखाया। यहां आने के बाद गांव के बच्चों की जिंदगी में बदलाव आए हैं, साथ साथ अनुशासन भी सीख गए हैं। पिछले 7 महीनों में बच्चों ने इस जगह को अपना लिया है। यहाँ के बच्चों का उत्साह और सकारात्मक सोच गांव के लोगों ने भी अपना लिया है। यहाँ के बच्चों को इंग्लिश समझ में नहीं आती और उल्ड्राइट हिंदी से कोसों दूर है, लेकिन इससे दोनों के बीच ज्ञान का संचार नहीं रुका। ये सब भारत के लिए नया जरूर है, लेकिन इससे पहले 2007 में काबुल, फिर मजार शरीफ और जोहान्सबर्ग में इस तरह के प्रयोग हो चुके हैं। यहाँ की लड़कियाँ लड़कों को देखकर स्केटबोर्ड में दिलचस्पी दिखाने लगी हैं। उम्मीद है कि अगले 10 साल में दोनों के बीच अंतर खत्म हो जाएगा। स्केटबोर्ड ने इन बच्चों को हिम्मत और भरोसा दिया है कि वो गिरने के बाद फिर से उठ सकते हैं। उम्मीद है कि ये सीख वो अपनी जिंदगी में भी अपनाएंगे और सफलता उनके कदम चूमेगी। जनवार गांव से अरविंद तिवारी के साथ सिद्धार्थ रंजन दास की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।